आप देख रहे हैं फर्स्ट पोस्ट और एक नजर डालते हैं सोमवार सुबह 11 बजे तक की न्यूज हेडलाइंस पर। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज कांग्रेस समेत विपक्ष के 21 दलों ने भारत बंद का ऐलान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजघाट से रामलीला मैदान तक मार्च निकाला। वहीं रामलीला मैदान पर एक ही मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार समेत कई दिग्गज नेता मंच पर बैठे हैं। वहीं राजस्थान सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत देने के लिए 4% वैट की कटौती की है। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि पंजाब और कर्नाटक में भी वैट में कटौती की जा सकती है ताकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत दी जा सके। बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने एक नया नारा दिया है। उन्होंने अजय बीजेपी और अटल भाजपा का नारा दिया है। वहीं इस मौके पर बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने यह दावा किया है कि बीजेपी न सिर्फ साल 2019 का चुनाव जीतेगी बल्कि अगले 50 सालों तक बीजेपी को कोई हरा नहीं सकेगा। पिछले 24 घंटों में दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के 2 बार झटके महसूस किए गए हैं। आज सुबह मेरठ में 6:28 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए जिनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.6 थी। वहीं रविवार शाम हरियाणा के झज्जर इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए जिनकी तीव्रता 3.8 दर्ज की गई। ओवल में भारत और इंग्लैंड के खिलाफ 5वां और अंतिम टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मैच में एलिस्टर कुक और कप्तान जो रूट इस वक्त भारत के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए हैं। दूसरी पारी में इंग्लैंड ने अभी तक 2 विकेट खोकर 114 रन बना लिए हैं। इस तरह इंग्लैंड को अब तक 154 रनों की लीड मिल चुकी है। इससे पहले भारत की तरफ से डेब्यू कर रहे हनुमा विहारी ने शानदार अर्धशतक लगाया। वहीं उनके साथ ही रविंद्र जडेजा ने शानदार 86 रनों की पारी खेली। सुबह 11 बजे तक की न्यूज हेडलाइंस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट पोस्ट.com।